हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धार जिले की तहसील मनावर का एक छोटा सा गांव अजंदा, जो आजकल भ्रष्टाचारी अधिकारियों का गांव बनकर रह गया है। चाहे सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत, यहाँ के पदस्थ कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और मनमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मामला दरअसल यह है कि अजंदा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई। कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि हमने शौचालय करीबन 2 साल पहले बनाया था, जिसका पैसा अभी तक नहीं डाला गया। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने मजदूरी तो की, लेकिन उनको मजदूरी का पैसा अभी तक नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने मजदूरी नहीं की और उनके खाते में पैसे डाले हैं, जिसमें सुखलाल शिवजी पाटीदार, जिन्होंने बताया कि मैंने कभी मजदूरी नहीं की और मेरे खाते में पैसा सरपंच सचिव के द्वारा डाला गया, जो कि गलत है। ऐसे ही सरपंच पुत्र के खाते में भी पैसे डाले गए। कुछ किसानों के खाते में पैसे डाले जिनके घर पर ही मजदूर चलते हैं, और उनको भी मजदूरी का पैसा डाला है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो मजदूर है उनके खाते में तो डाला ही नहीं। नोडल अधिकारी द्वारा पूरी लिस्ट को पढ़ा गया, जिसमें एक भी मजदूर का नाम नहीं आया। ग्राम सभा में इससे एक बात निकल कर सामने आती है कि सारा काम कागज पर ही होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। नोडल अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड मांगा गया तो सचिव के पास रिकॉर्ड तक नहीं निकला। नोडल अधिकारी से गांव के लोगों द्वारा मांग की गई है कि जिले की टीम बनाकर सरपंच सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। मजदूरी करने गया तुम गए? खड्डा खोदने गया था? बिल्कुल नहीं गया। फिर तुम्हारा खाता में पैसा कैसा डाला है ना? ये सरपंच मंत्री कह रहा मजदूरी करने आया था खड्डा खोदने। मतलब ये फ्रॉड डाले इन्होंने, गलत डाले। तुमने दिखाया आई देखी ना बोले। बद्री का खेत का सामना गया था काम करने के लिए, बैठा है। कितना समय हुए? समय साल भर हो गया। पैसा नहीं डाला अभी तक? क्या बोलते हैं पैसे का? पैसा तो लिया, बोलते हैं डलवा देंगे। यहाँ पे तो बता रही बहुत से लोगों का पैसा डाला है इन्होंने। ये तो बता रहे हैं, कुछ लोगों के नाम बताए, पाटीदार समाज के लोगों का, उसके बाद किसान लोगों के बताए इन्होंने।